माइनस एम एम इनटू एम एन यस माइनस एम माइनस एम होल ब्रैकेट माइनस एम ये था पर उसके पहले प्लस यस 93.14 भी इनटू नहीं प्लस प्लस किसने बोला इनटू था ना इनटू why am I multiplying this by 931.4 This is the question I'm asking. Why am I multiplying this by 931.4? Sorry, 1 delta ke andar ka energy. To convert it into million... Mega electron volt. Mega electron volt. We discussed kiya tha humne last mein, right? Yes. Put it into million electron volts, right? Yes. Yes. Million electron volt. Yaad aa raha hai beta? Humne yahan tak kiya tha. Sir. Yes. Bole. लास्ट का रिपीट करो ना एक बार ये वाला हाँ ये I have multiplied by this unit to convert the energy into a unit called as million electron volt जैसे हम लोग किलो कैलोरीज जूल्स वगैरह का इंटर कन्वर्जन करते हैं ना बेटा ऐसे ये एनर्जी को टू कन्वर्ट इट इनटू मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमने 931.4 से मल्टीप्लाई किया ठीक है यस वन एटॉमिक मास यूनिट से निकला हुआ एनर्जी इज इक्वल टू 931.4 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स ओके तो इतना एनर्जी जो होगा दैट एनर्जी मल्टीप्लाइड बाय दिस इज गोइंग टू गिव मी द वैल्यू इन 931.4 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स यस 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 हां फाइन अच्छा व्हाट इज दिस binding energy per nucleon what does it mean wo to aapne barabar bola it is binding energy per nucleon ek nucleon ke liye kitna energy chahiye bind karne ke liye kya keh rahe ho ek nucleon ke liye kitna energy chahiye very good dipesh joshi tum ho दीपेश जोशी बड़ा झोपला है का तो वो बोलता है अरे नालायक जग रहे हो कि सो रहे हो सो रहे तुम मत फाइन ठीक है गिरीश भी सो रहा है अरे जग रहा तू वेरी वेरी गुड आज तो अच्छा दिन है गिरीश आया दिक्कत में गिरीश व्हाट इज व्हाट आर न्यूक्लियंस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का फॉर्मूला divided by what is a over here mass number atomic mass number very good atomic mass number how do you find atomic mass number protons plus neutrons very good acha so this binding energy per nucleon and nuclear stability okay तो लोअर एटम्स के लिए कम होता है लोअर एटम्स के लिए ये कम होता है धीरे 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 बढ़ने लगता है अप टू एटॉमिक मास 90 तक एटम स्टेबल होते हैं उसके बाद जैसे जैसे न्यूक्लियॉन्स बढ़ते हैं ना बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कम होने लगता है और कम होने लगता है मतलब मेरा अनस्टेबिलिटी हिलने लगता है सिंपल एज दैट मेरा स्टेबिलिटी हिलने लगता है अनस्टेबल होने क्या बोल रहे हो बेटा सर वहां पर प्रोटॉन रिपल्शन ज्यादा होता है ना ऑक्सीजन एटम विथ एटॉमिक मास 16 एंड एटॉमिक नंबर 8 ये ऑक्सीजन है राइट
यस द मास ऑफ हाइड्रोजन, द मास ऑफ हाइड्रोजन इज व्हाट बेटा? 1 1 1. What is U over here? What is U? Dalton. Or? Atomic mass unit. AMU. Acha, what is the mass of one neutron? N1. Okay? Yes. Calculate the binding energy per nucleon for this atom. Acha, mass of oxygen atom is also given. NO, which is 15.99. Sir, hydrogen ka find out karna hai. Kiska find out karna hai? Hydrogen ka karna hai. Beta, maine yahan pe kya bana rakha hai ye? Udhar oxygen bana hai, par idhar hydrogen likha. What does hydrogen represent? One electron. What does hydrogen represent? Proton. What does mass of hydrogen represent? It represents the mass of proton. Last class mein bataya tha na beta? Yes. Bhool gayi Shubhangi? Main Shubhangi nahi. Exactly. Jab mujhe tumhara naam yaad hai to tumko ye kyu yaad nahi? Kyunki wo naam nahi hai. Chalo fir se batao kya bola aapne? Beta, mass of hydrogen is equivalent to the mass of proton because hydrogen ke andar sirf ek hi proton hota hai na? Yes. इसलिए हम लोग प्रोटॉन की जगह MH लिखते हैं, मैंने लास्ट क्लास में बताया था. Yes. अगर सर उसको 1 लिया तो 1 नहीं लेने का है, वो 1 अपन नॉर्मली लेते हैं जब अपन बात करते हैं 1, ठीक है? तो एग्जैक्ट वैल्यू उसका ये होता है, अप्रोक्सीमेट. ऑब्वियसली इट इज 1 ओनली अप्रोक्सीमेटली, बट कैलकुलेशन के लिए वो लोग बोलेंगे अगर 1 1 का कैलकुलेशन दे दूंगा तो सारे बच्चे पास हो जाएंगे, राइट? उनको बच्चों को चकमा देना है, बच्चों से मेहनत करवानी है, बच्चों को लॉग टेबल यूज करना है. कितने लोग के पास लॉग टेबल अभी भी नहीं है? ऐसा कोई है जिसके पास लॉग टेबल नहीं है? नो. प्लीज बताओ. नो. प्रेजेंट सर. आहे लॉग टेबल आहे केदार? इथे कोणता फॉर्मुला यूज करायचा? आपल्याला बाइंडिंग एनर्जी काढायची आहे. बाइंडिंग एनर्जी ए मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट मध्ये काढायची की नाही काढायची, नंतर ते मिलियन इलेक्ट्रॉन साठी आपण ते नाही तर वैसे शांत है सारे. लाइट लगेगी अभी? नो सर. ओके, सो नाउ लुक एट दिस फॉर्मूला. आता 931 से तुम बाद में मंडे पे करेंगे. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनटू द क्या बोलते हैं तो अभी. व्हाट इज जेड बेटा? व्हाट इज जेड? एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर. व्हाट इज एटॉमिक नंबर? 16 की 8. 8. वेरी गुड. जेड इज इक्वल टू 8 एंड जे इज इक्वल टू 16. तो ये इसलिए दिया हुआ है यहाँ पे. यहाँ से ये लेने की, यहाँ से ये लेने की, ठीक है? जेड इंटू एम एच. दिस इज MH, this is MN. MH is this, Z is 8. So, kya hoga? 8 into 1.0078. ठीक है? Plus A minus Z. A minus Z. 16 minus 8 into MN. MN is 1.0087. ठीक है? ये हो गया. Minus mass of minus the observed mass or the calculate of observed mass. Observed mass is 15.994. अपुन लेते हैं उसको 16 है, but observed कितना है? 15.994. ए बेटा, ये 15.994 क्यों दिख रहा है? कम क्यों दिख रहा है? Binding energy. Binding. ये कम इसलिए दिख रहा है because that energy is lost as utilized as binding energy. Yes. चले आप log table use करें और इसको बताएं मुझे क्या है इसका समाधान. Done? No.
आई वॉन्ट एवरीबडी टू यूज लॉग टेबल. मैं किसी को भी बोलूंगा कि अपना कैमरा ऑन करके मेरे को कैलकुलेशन दिखाओ, और अगर नहीं दिखाया तो उस बच्चे का आज एबसेंट ही लगेगा, उसके घर में फोन जाएगा, उसके पेरेंट्स से पूछा जाएगा कि आपका बच्चा लेक्चर में क्यों ध्यान नहीं देता है, कोई पूछता है तो क्वेश्चंस के जवाब क्यों नहीं देता है, वो क्यों इतना कतराता है लोगों से बात करने. प्रतिभा मैडम आप हो लेक्चर में? हाँ सर बोलिए. मैडम मैं ना किसी को भी रैंडमली पूछूंगा ये दिखाने के लिए कैलकुलेशन, अगर वो बच्चा जवाब नहीं देता है और कैमरा ऑन नहीं करता है तो आपने उसका नाम नोट करना है, उसके घर पे फोन करना है. ठीक है ठीक है चलेगा सर. और बाकी सब शांति. सर इसको अभी 931.4 से मल्टीप्लाई करना है, पहले इसका वैल्यू निकालना है, उसके बाद उसको मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में कन्वर्ट करना है. उसका वैल्यू आया. आया कितना है बेटा इसका वैल्यू? 0.19 आया. ओके 0.19 यू में आएगा ना, बिकॉज ये सब यू में है, डेल्टा में. यस यू में आएगा. ठीक है बाकी लोग बताओ तुमको क्या आंसर आ रहा है, प्लीज बताना. थोड़ा सा अलग है बेटा तुम्हारा आंसर. शैरन एक बार देखो कैलकुलेशन में कहीं तुमने अजम्पशंस तो नहीं किया है, लॉग से यूज करना है प्रॉपरली. पहले तो उसको नॉर्मली मल्टीप्लाई कर दो ठीक है, उसके बाद इनको एड और सब्ट्रैक्ट कर लो, और फिर ये सर 0.138 This is the correct answer actually, Sharon. आपने क्या किया? आपने log use किया किसी ने भी? Be honest. पर इसमें direct करना है इसमें. Exactly. Exactly. Log table use किया तुमने Sharon बच्चे? Yes sir. Log table use किया. यहाँ पे log use नहीं करना है देखो. This multiply करो. इसको multiply करो. इन दोनों को add करो. इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करो, सिंपल आंसर आ जाएगा. सर लॉग टेबल क्या है, इसमें टाइम जाएगा? लॉग टेबल में तो बहुत टाइम जाएगा सर. 8 × 1.0087 8 × 64 सर वो मेरे को बड़ा पता है 8.0624 तो वैसे तो करना है बेटा. सर 16.132 सबको यही आया. अरे मेरा यही आ रहा है पता है मेरे को, मैं शायरन को बोल रहा हूँ उसका आंसर सब्ट्रैक्शन उसने गलत किया रहेगा शायद. ठीक है ओके शायरन. सर आंसर क्या है लाभ? ओके winding energy is equal to 0.138 × 931.4 million electron volt. अब इसको multiply करके बताओ कितना million electron volts आता है? Sir 128.533 128.5 Okay. Others? Yes. वही आ रहा है? Exactly वही आ रहा है? Yes. 128.5 Yes. Million electron volts. ठीक है. आशुतोष. Yes sir. बेटा अभी इसके बाद का step क्या होगा? Binding energy per nucleon निकालना है. तो हम लोग क्या करेंगे? सर सर binding energy जो total overall आया उसको ना atomic mass से divide कर देंगे. Atomic mass की atomic number? नहीं mass sir. मास से डिवाइड करें. कितने से डिवाइड करूं? 16 से करूं? 16 से यस जी. इसे इसका आंसर बताएं कितना आता है?
8.03। इसको तो लॉग से करना ना प्लीज। सर मेरे को बाइंडिंग एनर्जी अलग आ रहा है। कितना आ रहा बेटा? 122.9 आ रहा है। नहीं बेटा तुम कैलकुलेटर यूज कर रही हो या फिर कुछ अलग से कर रही हो क्या बच्चे? सर नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन एंड ये कैलकुलेशन करना बच्चे नॉर्मल नॉट यू डोंट इवन हैव टू यूज लॉग ओवर हियर। हां बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कितना आ रहा है? 8.03। साहिल अवध इज दिस करेक्ट? यस सर। अच्छा तेजस, आज तेजस सो रहा है क्या? नो सर। यस सर। आंसर क्यों दे रहा है? दे रहा है ना। राइट है सर। चलिए सर कैलकुलेशन कर रहा था। मैं क्या बोल रहा हूँ गाइस, इतना इजी अगर न्यूमेरिकल आया तो कोई दिक्कत है तुम लोग को? नहीं। नो नो तुमने लिखा है क्या? डेल्टा इज इक्वल्स टू डेल्टा इनटू सी2 भी कर सकते हैं ना? क्या बोल रहा है? बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट किया तो डेल्टा ई इज इक्वल टू डेल्टा एम इनटू सी2। आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू सेइंग। दिस इज द फाइनल आंसर। ओके गाइस कैन आई रब दिस? इट्स आइंस्टाइन फार्मूला यूज कर सकते हैं। क्या बोल रहे हो? बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट, बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए क्या बोल रहे हो? आइंस्टाइन का फॉर्मूला ई इज इक्वल्स टू एमपी स्क्वायर। हां नहीं वही सब कंसीडर करके हम लोग ने इसको 931.4 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई किया। ठीक है एच H. और एक आधा न्यूमेरिकल करना है? Yes. 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 एक अनसॉल्व वाला करते हैं, ठीक है? एक्सरसाइज में से देख लेते हैं। न्यूमेरिकल calculate the binding energy per nucleon of krypton 8436 whose atomic mass is m is given as 83.913 u and mass of neutron is 1.0087 u and mass of hydrogen is 1.0078. okay you have to calculate the binding energy per nucleon of krypton. Ibeda itna easy hai? चलो फॉर्मूला लिखूं कि याद है तुम लोग को? व्हाट इज द फॉर्मूला? एम आई कनेक्टेड? यस। माइनस एम करें
then what is binding energy? उसके बाद per nucleon. Then इतना डिफिकल्ट है एक नॉर्मल मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना मेरे होशियार बच्चों के लिए? थोड़ा टाइम लगता है ना सबको, थोड़ा टाइम लगता है। बाइंडिंग एनर्जी 0.78, बाइंडिंग एनर्जी 0.78. आर यू श्योर? सर 0.7782. फिर ये निकल जाएगा, ये निकल तो ये 8 हो जाएगा, 0.7. इसका 731.521. कौन सा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकला था, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, हाँ, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 731.52. 731.52. सबको यही आ रहा है? Yes. गौरव, गौरव सिंह, अजिंक्य, क्या केका ने सब सो रहे ना लाइक इसको डिवाइड किससे करूंगा मैं? एक मिनट, 84 कितना आता है? 8.7085. वेरी गुड, 8.70. वेरी गुड, वेरी गुड. हाँ बेटा शारण बोलो. सर बाइंडिंग एनर्जी 724.8185. नहीं बच्चे, दिस इज राइट एक्चुअली, बट 724 बहुत ज्यादा अलग हो जाएगा इससे, बहुत ज्यादा. देयर मस्ट बी सम इशू वेयर यू आर मेकिंग अ मिस्टेक बिटवीन प्लस एंड माइनस और मल्टीप्लिकेशन. नहीं सर, मेरे को 0.7782 डेल्टा एम मिल गया. डेल्टा क्या? डेल्टा एम जो है, हां, डाल्टन में जो मिलता है वो 0.7782, ठीक है, उसको तो मल्टीप्लाई 931.4 से ना, तो उसका आंसर 724.81 आ रहा है. इतना डिफरेंस कैसे हो सकता है बेटा? हेलो सर. हाँ बेटा बोलो. सर एक बार सॉल्व करो ना, मेरा लास्ट क्वेश्चन मिस हो गया था. कौन सा वाला सॉल्व? ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो. तुम कौन बोल रहे हो? अद्वय. अद्वय, हाय अद्वय. यस सर. अरे रिमेम्बर लास्ट क्लास में हम लोग ने बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला सीखा था? हाँ यस सर. अपने को एक क्वेश्चन में क्या दिया है पीछे? क्रिप्टन दिया है विद एटॉमिक मास 84 एंड नंबर 36. मास, इस क्रिप्टन का मास मतलब ऑब्जर्व्ड मास इज 83.913. ओके, एक न्यूट्रॉन का मास इज 1.0087 और एक प्रोटॉन या फिर हाइड्रोजन का मास इज 1.0078. ओके, वो बोल रहा है find the binding energy per nucleon for this atom. तो पहले अपने को binding energy निकालना पड़ेगा, उसके बाद binding energy per nucleon निकालना पड़ेगा, ठीक है? Yes. Binding energy का formula क्या है? Atomic mass number into the number of protons plus a minus z is the number of neutrons into the mass of proton minus the observed mass into 931.4 cube because I want to convert it into million electron volts.
तो इसका जो भी वैल्यू आएगा उसको आई विल मल्टीप्लाई बाय 931.4 टू कन्वर्ट इट इनटू मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. व्हाट इज जेड 84 36 36 इनटू mh mh इज 1.0078 प्लस a माइनस z 84 माइनस 36 इनटू mn mn का वैल्यू यहां पे है माइनस ऑब्जर्व्ड मास व्हिच इज 83.93 जो दिया हुआ है. इसको सॉल्व करके नॉर्मली मैं करके इससे मल्टीप्लाई किया तो मुझे बाइंडिंग एनर्जी आता है. बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूट्रॉन का फॉर्मूला क्या है? बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स और द मास नंबर 84. 84 से डिवाइड किया तो मुझे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन मिला. ठीक है अद्वैत? यस सर. यस सर. थैंक यू. ओके बच्चे. हाँ बोलो शैलन. अब तुमने कहा गड़बड़ की? हाँ सर. 0.7782 इसको तुम लॉग से कर सकते हो. ये काफी बड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा. सर आप कैलकुलेटर से करके देखो. मैं कैलकुलेटर से करके देखूं? दो मिनट. यस is equal to 724.81. सर वही मिला है मेरे को बहुत देर से. सर 722.1 आ रहा है मेरे को. 724.81 आ रहा है दोस्त. मैंने अभी कैलकुलेटर में किया है. हाँ सर वही मेरे को भी आ रहा है बहुत देर से. दिस डिवाइडेड बाय 84 इज गोइंग टू गिव मी 8036. ठीक है. कितना आ रहा है सर बताओ? 724 वाला आंसर करेक्ट है रवि. शुभम तुमने कैसे किया? सर लॉग से अलग आता है कैलकुलेटर. सर लॉग से मेरे को 722 आया है मेरे को. लॉग से क्या बेटा तुमने? हाँ 722. लॉग से क्या? लॉग ऑफ दिस प्लस लॉग ऑफ दिस उसका पूरा आने के बाद एंटी लॉग लिया. उसका एंटी लॉग लिया बाद में आ रहा है 722.1 आ रहा है मेरे को. That is again a huge difference यार. दो का डिफरेंस है. इसका 724.15 आ रहा है तुमको? नहीं 815. तो दिस इज करेक्ट. शुभम तुमने कैसे किया यार? ये आंसर करेक्ट है. सर मैंने भी लॉग टेबल से किया. लॉग से किया? चलो लेट अस ट्राई बाय लॉग आल्सो. लॉग से भी करते हैं. ये ऐसा किसी ने किया? डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया किसी ने? या यस मैंने किया. क्या किया? डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया. वैसा कितना आता है तुमको? सर सेम आया. क्या सेम? 724.81. हाँ सेम आना चाहिए ना. बिकॉज़ कैलकुलेटर से करो या ऐसे करो एक ही आंसर है. लॉग से देखेंगे तो अपने को ज्यादा अप्रोक्सीमेट मिल जाएगा. इसका लॉग क्या आएगा? 12.77 का 82 बताओ मुझे देख करके लॉग टेबल में. मैंने लॉग टेबल का मेरे को मिल नहीं रहा है. छोड़ो मैं ढूंढने नहीं वाला. तुम बताओ मेरे या किसी के पास लॉग टेबल है ढूंढ के बताओ. व्हाट इज द लॉग ऑफ 77 का 8 और 0.78 है. 0.78 कैलकुलेटर से जाए तो 0.78
क्या कैलकुलेटर से वो छोड़ो अभी अपन लॉग कर रहे हैं कैलकुलेटर से मैंने चेक किया बेटा डिस करे इसका लॉग बताओ मेरे को 77 और 82 का सर 8911 प्लस 2.93 का 104 बताओ 93 का 104 बताओ 93 का 1 एंड 4 9, 6, 8, 7 H 8, 9, 15, 18, 2, 1 ठीक है सर 9, 6, 8, 7 नहीं है 9, 6, 9, 1, 9, 6, 9, 1, 9, 6, 9, 1, 9, 1, 9, 1, 0, 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 0
724.6 आ रहा है. 724.7 आ रहा है. 724.7 बराबर. यस यस यही आ रहा. That is 724.7 ये क्या है? 0.7 yes. तो गलत करेक्ट तो है बेटा. आप कैलकुलेटर से करो, आप लॉग से करो, बरोबर आ रहा है. तो कहाँ गड़बड़ हो रही है? सर मेरे को ही मिल रहा है बहुत देर से. अरे वेरी गुड बेटा. अर्जुन अवार्ड टू यू. आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू दैट यू स्पोक अप दैट ऑल्दो योर आंसर वाज नॉट मैचिंग विद अदर्स स्टिल यू सेड कि नो आई एम गेटिंग दिस एंड यू प्रूव दैट दिस इज द राइट आंसर. सो प्राउड ऑफ यू शान. नाउ the thing is ki guys you have to be very careful while doing calculations. Numbers can get you numerical can get you full marks, but if you go wrong to zero marks. Simple as that. ye ab doubts clear ho sabko? Humne calculator se bhi kiya, humne log se bhi kiya. Yes Shubham. Yes sir. ठीक है समझा बेटा तुमको. निकिता सर मेरे को कैलकुलेटर में 0.7854 आ रहा है. हाँ सर मुझे पूरा कैलकुलेशन एक बार कैलकुलेटर से करके देखो फिर आता है वो 0.785. डेल्टा एम का वैल्यू 0.7854 ले रहे हो? यस सर. डेल्टा एम इसका वैल्यू क्या? यस यस यस. तो हम लोग जो भी वैल्यू आया उसको हमने 931.0.7 0.785 के आसपास 0.76 0.7 के आसपास चल जाए. नहीं पूरा कैलकुलेशन करते वक्त ना उसके ऊपर 36.2736 और प्लस उन लोग 48 करके उसके बाद मल्टीप्लाई करते तो अलग आएगा. करेक्ट. आप यू हैव टू बी वेरी वेरी प्रिकॉशियस व्हेन सॉल्विंग दिस. दिस जेड इज व्हाट? इट इज 36. ए माइनस जेड इज 84 माइनस 36. इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर इन दोनों को ऐड करना है और इसके एडिशन में से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, उसके बाद इससे मल्टीप्लाई करना है. स्टेप बाय स्टेप वन बाय वन करना है. वन बाय वन तुम सारे कैलकुलेशंस एक साथ करने बैठोगे तो पक्का रॉन्ग होएगा बेटा. मैंने आपको पहले भी ये बताया है व्हेनेवर देयर आर मोर नंबर ऑफ कैलकुलेशंस गो वन स्टेप वन एट अ टाइम अदरवाइज यू विल डेफिनेटली स्किप समथिंग एंड द आंसर विल गो रॉन्ग. कैन आई इरेज दिस? यस सर. यस फिर भी वैल्यू 0.7854 ही आ रहा है. इसमें बेटा सर वो डेल्टा एम का वैल्यू मैंने कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट किया. चलो ये भी करके देखते हैं. जेड कितना था मैं बोल गया? 36 36 है 84.
जेड 36 इमेज 8 प्लस 84 माइनस 36 इनटू 1008 7 माइनस 83.9 ठीक है। इसका वैल्यू बताओ मुझे कितना आता है 36 इनटू 1.009 36.2 84 माइनस 36 48 हो रहा है 84 माइनस 36 48 48 into 1.0087 माइनस 83.913 एक टाइम पे एक ही कैलकुलेशन करने की 48 into 1.0087 गाइस बट यू नो दैट यू आर नॉट अलाउड कैलकुलेटर टू यूज राइट यस सो व्हाई आर यू यूजिंग एक्सपेरिमेंट चेक कर रहा था कैलकुलेटर आपको अलाउड नहीं है बेटा नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन से भी वही आ रहा है क्या यस सर बरोबर आ रहा है यही बता अभी दो को अलग अलग आ रहा ना बेटा इसलिए मैं क्लेरिफाई कर रहा हूँ सबके डाउट 36.28 प्लस 48.419 Yes. 84.689 अब थोड़ा बहुत आंसर डिफर करेगा क्यों 0.78 मैंने क्या बोलते एक दो डेसिमल्स लिए किसी ने तीन लिए रहेंगे किसी ने चार लिए रहेंगे तो इसीलिए दो या तीन डेसिमल्स रख करके ही आंसर निकालने 0.77 0.78 का आंसर आता है राइट 0.778 यस बरोबर तो आ रहा बेटा ऐसे करो लॉग से करो कैसे भी करो देखो आंसर सेम आ रहा है सबसे यस तो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज जस्ट बी अ लिटिल मोर कॉशियस एंड डू वन स्टेप एट अ टाइम एक साथ ना बहुत सारी चीजें सॉल्व करते मत बैठना बेटा आप लोग ठीक है निकिता yes. आपने पूछा था ना ये डाउट yes. कैलकुलेट द एनर्जी इन मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिलीज्ड इन द रिएक्शन इरिडियम 170 स्क्रीन स्क्रीन फ्रीज हो गई है लेकिन रे सर गाइस गाइस कर रहा हूं फिर मुझे लग पता चला कि कोई आवाज नहीं दे रहा तो मैं चेक कर रहा हूं लाइट चल रहा है कोई बात नहीं ये न्यूक्लियर रिएक्शन दिया हुआ है न्यूक्लियर रिएक्शंस क्या होता है वो अपना नेक्स्ट पार्ट है वी विल डेफिनेटली स्टडी दैट ठीक है व्हाट इज द अल्फा पार्टिकल ब्ला 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 दोस्तों ठीक है
ये न्यूक्लियर रिएक्शन है, इसका मास दे रखा है, इसका मास दे रखा है, इसका मास दे रखा है, ये कह रहा है इस रिएक्शन में कितनी क्या एनर्जी रिलीज हुई पता करो, कितनी एनर्जी रिलीज हुई पता करो। बहुत इजी है बेटा, बहुत इजी है। आई वॉन्ट यू टू थिंक ओवर दिस एंड टेल मी कि इसमें कितना क्या बोलते एनर्जी रिलीज हुआ है, ये कैसे पता करेंगे हम। सर रिएक्टेंट का एनर्जी ज्यादा होता है प्रोडक्ट के एनर्जी। सर पहले आईआर का निकालेंगे डेल्टा एम, डेल्टा एम, उसके बाद आरई और एचई का निकालेंगे। ठीक है, दैट इज शरण, दैट इज गोइंग टू बी अ लॉन्ग कट। कोई शॉर्टकट बताओ मुझे इजी वाला तेजस। सर रिएक्टेंट का एनर्जी ज्यादा होता है सर, इक्वल टू एमसी स्क्वायर से। ई इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर। सर वो मास इरिडियम का पुट करने का और स्पीड ऑफ लाइट पुट करने का तो ई आएगा। क्या आता है मुझे बताओ, इन दोनों का मास का एडिशन कितना आता है सर? रिएक्टेंट का एडिशन, रिएक्टेंट का मास, इन दोनों का मास का एडिशन बताओ। रिएक्टेंट का मास, रिएक्टेंट का मास। अरे चाचा इन दोनों का मास का एडिशन बताओ, मैं सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं तुमसे। दो डेसिमल तक ले हम लोग 96। इसका मास कितना दे रखी है 173.97 राइट? यस 0.01 का डिफरेंस है। इनका सब्ट्रैक्शन करेंगे तो कितना आता है 0.01। कितना कम डिफरेंस आता है इनका? यस यस। अच्छा कैन आई से दिस इज द टोटल मास डिफेक्ट फ्रॉम द प्रोडक्ट साइड, रिएक्टेंट साइड टू द प्रोडक्ट साइड? यस यस। ये रिएक्टेंट का मास है, ये दोनों को ऐड किया तो ये प्रोडक्ट साइड का मास हो गया कि नहीं हो गया? तो कितना कम आ रहा है 0.01। इसको अगर मैं 931.4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स मिलेगा। यस 93.14 9.314। एक ही मिनट है, कितना आता है 9.314 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, राइट? यस। ठीक है, बट दिस इज नॉट आवर आंसर, ये अपना आंसर नहीं है, ये अपना आंसर नहीं है। ठीक है, दैट मींस इट इज नॉट दैट इजी। नाउ लुक एट द क्वेश्चन अगेन, इट सेज फाइंड आउट व्हाट अमाउंट ऑफ एनर्जी, व्हाट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज released in this reaction. This is a nuclear reaction. This is a radioactive reaction which is releasing a alpha particle, which is releasing a alpha particle. They are given the observed masses of iridium, radium and helium. ठीक है, तो इनके क्या बोलते हैं observed masses दे रखे हैं, उनके calculated masses आपको दे रखे हैं। ठीक है, observed mass दे रखा है, कैलकुलेटेड मास दे रखा है, ये आपसे पूछ रहा है, ये आपसे पूछ रहा है कि भाई इन सब के अंदर मास डिफेक्ट कितना है वो आपको ढूंढना है एनर्जी रिलीज। तो जो शारन ने बोला था स्टार्टिंग में कि पहले इसका मास डिफेक्ट निकालेंगे, फिर इसका मास डिफेक्ट निकालेंगे, फिर इसका मास डिफेक्ट करेंगे, वो तरीके से करेंगे हम लोग। यस, बिकॉज उस तरीके से हमको प्रॉपर ये मिलेगा। yes. Yes or no? Yes. 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 Oh. ठीक है, तो ये लिख लो, you can try this for your homework. I know everybody will get wrong answers. Yes. But still, try it. Do not refer any digest and all, otherwise doesn't make any point of giving homework. Lixia, can I rub this? No.
लोगों को अल्फा बीटा गामा के बारे में पता है? यस यस क्या पता है इनके बारे में? रेज़ रेडियो एक्टिव रेज़ अच्छा Radioactivity. What do we mean by radioactivity? Unstable nuclei. हमने अभी तक stability के बारे में पढ़ा, हमने binding energy के बारे में पढ़ा, ये सब उसका basics था, right? Now when I talk about when a nucleus is unstable, what happens when anything, forget about the nucleus, when anything is unstable, वो क्या करेगा? वो energy lose करके stable बनने की कोशिश करेगा. जब उसके पास बहुत एनर्जी रहता है वो इधर उधर भक्त रहता है, जब वो एनर्जी लूज करता था थक जाता है वो सो जाता है, शांत हो जाता है, स्टेबल. यस म्यूट हो गया पर यू आर ऑन म्यूट.